भगवान देवनारायण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान देवनारायण का जन्मोत्सव का विशाल जुलूस सैलाना रोड चार भुजा मंदिर से प्रारंभ होकर पिपली चौक, नेम चौक, बस स्टैंड व ज्ञानी रोड होते हुए तालाब बोली मंदिर पहुंचा। रास्ते भर धर्म प्रेमी जनता ने पटाखे फोड़े। पटाखों से पूरा शिवगढ़ गूंज उठा। रंग व गुलाल जमकर उड़ाया गया। रास्ते पर कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर रंग व फूलों की बारिश नहीं हुई हो। जुलूस में हजारों गुर्जर समाज के लोग व इंदौर, भोपाल, रतलाम से आए हजारों समाज के लोग जुलूस में शामिल हुए। भोपाल से आए खास मेहमान कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त रघुवीर पटेल देवनारायण ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष भी जुलूस में शामिल हुए। सामाजिक बंधु पधारे, मैं उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। मंच पर विराजमान मेरे सभी मंचसी साथीगण, नाम सबका देवेंद्र भाई ने ले लिया है। इस आयोजन की कार्यकारिणी और उसके सभी सदस्य सब बधाई के पात्र हैं। आपने बहुत मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, आज भगवान देवनारायण जी का 1112वां प्रकट उत्सव है। मुझे बड़ा हर्ष है कि मैंने आज आपके मंदिर प्रांगण में आके भगवान देवनारायण जी के दर्शन किए, आरती का हिस्सा लिया, आरती में हिस्सा लिया और आप सबके साथ शिवगढ़ से यहाँ तक की शोभा यात्रा का मैं सहभागी और साथी बना। साथियों, पिछले साल 1111वां प्रकट उत्सव हमारे भगवान आराध्य देवनारायण जी का था, जिसमें इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी मालाशेरी पधारे थे और मैं भी वहां पर उपस्थित था। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि कल मैं वहां था। मैंने इसलिए उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया है कि मैं शिवगढ़ में हमारे भगवान देवनाथ जी के प्राचीन मंदिर है उसमें रहूंगा। तो पुजारी हेमराज जी पोषवाल जी ने आशीर्वाद दिया कि आप वहां पे रहिए और मैं कल ही जाके वहां से सीधा रात में रतलाम रुका। रतलाम से मेरे साथ आए मेरे सभी साथी और देवभक्त, उनका भी मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। आज शिवगढ़ में आप लोगों का जोश देखते ही बनता था। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरा समाज कहीं से अब पिछड़ा रहा है या रहेगा। साथियों, इस उत्साह को बनाए रखना। आज आपने बाजारों के अंदर शिरकत की है, पथ प्रदर्शन किया है, कदम ताल मिला के आप बाजारों में चले हो, मार्केट में चले हो, यह आपके उज्ज्वल भविष्य का एक छोटा पहचान के रूप में आपने काम किया है। कोई भी समाज जब किसी भी बाजार के अंदर सीना तोड़ा करके चलता है तो समाज का उत्थान होना निश्चित है और आपने बड़ी मेहनत करके पूरे अनुशासन के साथ और पूरे नगर के अंदर आपके अंदर संपूर्ण व्यापारी बंधु पुष्प वर्षा कर रहे थे। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा था कि मेरे समाज की यहाँ पे इतनी इज्जत है। ये इज्जत आपकी एक दिन की कमाई नहीं है, ये सैकड़ों वर्ष की कमाई आपकी इज्जत है। हम कहीं ना कहीं गुजरात, राजस्थान से आके इस मध्य प्रदेश की पावन धरा में आके हम बसे, तो आप लोगों ने सैकड़ों वर्ष हमारी पीढ़ियों ने यहाँ पे मेहनत की, खप गए हम, तो ही हमने इज्जत कमाई है। साथियों, इस जोश के साथ साथ में मेरे जो युवा साथी यहाँ पे इस आयोजन में लगे थे, आपका बड़ा भाई होने के नाते आप सबसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, आपके पास धन का उपार्जन होगा, तो कहीं ना कहीं आप नशे की तरफ लोग आपको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आपका जो हमारा इतिहास रहा है,
कुश्ती, कबड्डी, इस तरह के खेल, लाल उठाना, उन अपने आयोजनों को दोबारा से पुनर्जीवित करें। शाम को एक घंटा जरूर समय निकाल के खेले या सुबह एक घंटा स्कूल जाने से पहले रेस करें और अपने खेल के अंदर अपनी रुचि दिखाएं और नशे व्यसनों से दूर रहें तो आपका समाज तरक्की करेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप इस चीज को गांठ बांध के अपने पास रख लेंगे। सभी लोग शिक्षा भी महत्वपूर्ण है। मैं कहूंगा आप दो नंबर कम रहोगे मगर अपने शरीर को स्वस्थ बलिष्ठ रखोगे तो आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। आप अगर आगे आपको अन्य समाजों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है तो आपको लोगों की बुराई करने के बजाय लोगों से बहुत प्रतिस्पर्धा करने का समय है और बहुत ईमानदारी के साथ प्रतिस्पर्धा लोगों के साथ करें, व्यापार में करें, शिक्षा में करें, अपनी बेटियों को पढ़ाएं, बहनों को पढ़ाएं और माताओं को उनके ज्यादा से ज्यादा अधिकार दें क्योंकि हमारा संपूर्ण वंश खत्म हो चुका था मगर माता साढ़ू ने भगवान नारायण को प्रसन्न किया और भगवान नारायण ने पुनः माता साढ़ू की गोद में जन्म लिया मालाखेड़ी डूंगरी में और हम पुनः इस भारतवर्ष में स्थापित हुए। तो हमारी माता हैं बहनों को जो यहाँ पे मंदिर प्रांगण में बैठी हैं उनको सम्मान दें, उनको इज्जत दें, उनको शिक्षा दें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। सामूहिक विवाह हमारी सामूहिक समिति के लोग, विवाह समिति के लोग बैठे हैं, सामूहिक विवाहों को ज्यादा से ज्यादा करें और बालिकाओं को जितना पढ़ाएंगे, जितना आप स्पोर्ट्स में आगे करेंगे अपना समाज ज्यादा से ज्यादा उठेगा। एक बालक पढ़ता है तो एक परिवार एक घर के लिए पढ़ता है और एक बालिका पढ़ती है तो दो परिवारों के लिए पढ़ती है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि अपनी बालिकाओं को लगे आपको कि मेरे घर में सिर्फ बर्तन और रोटी है तो बर्तन भेज के रोटी हाथ पे खाना मगर अपने बालक बालिकाओं को पढ़ाना। अगर आपके पास रतलाम भेजना भोपाल में कहीं जरूरत लगे तो आपका घर है। मैं तो दिनेश भाई जानता है जो इंदौर में जाते हैं, मेरा वो भी घर आप सबका। इंदौर में भी कभी आना पड़े, कभी मुसीबत में आप आओ, अस्पताल के या कोई इस तरह के काम पड़ जाते हैं तभी आते हैं। मार्केट का काम करता है आदमी तुरंत वापिस भगता है मगर कहीं ऐसी समस्या है तो इंदौर में भी आपका घर है, मैं आपका भाई हूँ। और भोपाल में भी कभी किसी तरह की कोई समस्या है तो आप लोग आए, मेरा नंबर इन दिनेश भाई से, देवेंद्र भाई से, जितने भी रतलाम के हमारे साथी हैं, पटवारी जी से आप ले लें, किसी को भी कभी रात में 2 बजे भी आप फोन करेंगे तो मेरा रात में रखिए। देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।